जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, अखबारों के अंदर चाहे मध्य प्रदेश के अखबार पढ़ लीजिए, चाहे राजस्थान के अखबार पढ़ लीजिए, सीधी सीधी एक बात चालू होगी, मध्य प्रदेश के अंदर भील और कौंड बहुत आगे, वहां पर आती मीणा ओबीसी के अंदर है और दूसरी जनजातियां उनसे बहुत आगे भील और कौंड, तो वहां के अखबारों ने छापा कि भील और कौंडों को बाहर करो। राजस्थान के भील ये सोच के खुश हो रहे हैं कि मीणाओं ने आज तक हमारे आरक्षण का फायदा लिया, मीणा जाएंगे तो हम उनकी जगह आएंगे, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है कि भाई यहाँ समूह जो बटेगा तो सबसे ज्यादा खतरा इस सरकार को तुमसे और हमसे है, साथ में हम दोनों भाई बाहर होंगे, अकेले बाहर मीणा नहीं होंगे, साथ में बाहर होंगे तो भील और मीणा होंगे। और जब यही बात तुम सोच रहे हो चलो भीलों को भी बाहर नहीं किया, भीलों को अलग ग्रुप में रख दिया, तो अभी भी आपको टीएसपी का आरक्षण अलग से मिला हुआ है भाई साहब, है ना, टीएसपी का आरक्षण अलग से मिला हुआ है। आदिवासी समुदाय की वहां 80% पॉपुलेशन है, वो कह रहे हैं कि भाई हमें 80% आरक्षण दो, तुम्हें तो हमें 45% में बांध दिया, आदिवासी 80% होके, और जो वहां की सीटें हैं जो उनसे नहीं भरी जा रही है उनको यहाँ तो एनएफएस किया जा रहा है, बैकलॉग में डालकर जनरल कम्युनिटी से भरा जा रहा है, क्योंकि काकरी डोंगरी आंदोलन पूरा हुआ था वो इसी बात को लेकर हुआ था कि हमें हमारा आरक्षण दिया जाए, हमारे लोगों से सीट भरी जाए। अभी आपने रिजल्ट देखा होगा, एक पशु चिकित्सालय कुछ भर्ती थी उसके अंदर पूरी सीटों को एनएफएस कर दिया। आज मैंने एक ट्वीट किया, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे 3 सीटों को एनएफएस कर दिया, एनएफएस नाम पर हमारे आरक्षण को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरीके से अगर उपवर्गीकरण हुआ तो हम लोग भील हो, गोंड हो, संताल हो, मीणा हो, जितनी भी जो जातियां हैं जो आगे हैं, जो थोड़ी प्रोग्रेस कर गई है, जो राजनीतिक तौर से भी सक्षम है, प्रशासनिक तौर से भी सक्षम है और शैक्षणिक तौर से भी आगे बढ़ी है, उन जातियों को सबसे पहले बाहर किया जाएगा। और जो हमारे दूसरी जनजातियां हैं, क्योंकि वो इतने योग्य नहीं होगी कि वो उन सीटों को भर पाए, और जब वो सीट खाली रह जाएगी तो वो उन सीटों को जनरल कम्युनिटी से भरेंगे। और तो जब हम आरक्षण से बाहर हो जाएंगे, जब हमें वर्गीकृत कर दिया जाएगा, तो जब उनके आरक्षण पे आ जाएगी तो भाई हम क्यों बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। कांकरी डोंगरी में जब आंदोलन हुआ था तो पूर्वी राजस्थान का कोई मीणा नहीं बोला था, या अतुल भाई और हम बैठे हम जैसे लोगों ने आंदोलन किया था, केवल क्योंकि वो भी हमारे भाई, उनका हक छीना जा रहा था। लेकिन अगर मान लो दक्षिणी राजस्थान में टीएसपी नहीं होता और केवल नॉर्मल जो आरक्षण की व्यवस्था चल रही होती और हमारी 1600 सीटों को खाने की कोशिश की गई होती, तो क्या पूर्वी राजस्थान में आंदोलन नहीं होता? होता, हम 1600 सीटों के लिए लड़ते। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमें टीएसपी नॉन टीएसपी के नाम पर बांट दिया, और जब हमारे भील भाइयों का अत्याचार हुआ तो हम चुप्पी साध गए। और इसी तरीके से उपवर्गीकरण में होगा, जो दूसरी जातियां शामिल की जाएगी और हमें छोटा दायरा हमारा कर दिया जाएगा, 2% का, 1% का, 0% का बाहर कर दिया जाएगा, जो भी किया जाएगा। तो हम तो दूसरी जनजातियों पर उनके आरक्षण के साथ जब छेड़खानी होगी तो हम बिल्कुल घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, हम चुपचाप बैठेंगे, भाई हमारे क्या मतलब है, हमें आरक्षण मिला ही नहीं है, हम चुपचाप घरों में बैठे रहेंगे। तो उपवर्गीकरण करके इन्होंने क्या किया है, इन्होंने समाजों को समाजों से लड़ाने का काम किया है। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 10-15 साल के अंदर जो ST SC की जो यूनिटी बनी है, और आदिवासी समुदाय में तो खास तौर पर क्योंकि हमारी आदिवासियों की कल्चर अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, लेकिन पिछले 10-15 साल के अंदर जिस तरीके से आदिवासी एकजुट हो रहे हैं, आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है जगह जगह, तो इन सरकारों को पता है कि इनकी राजनीतिक चेतना डेवलप हो रही है, इनकी राजनीतिक चेतना को किस तरीके से खंडित विखंडित किया जाए, इस प्रकार से ये कोई खुद तो एक्शन ले नहीं सकते, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस तरीके से बैकडोर से जजमेंट दिलवाए जा रहे हैं और हमारे समाजों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा का पूरा जजमेंट जो उपवर्गीकरण का फैसला है, वो जाति को जाति से लड़ाने का फैसला है, समाजों को समाजों से लड़ाने का फैसला है।